हेलो एवरीवन। तो आज हमारा आर्ट एंड कल्चर का थर्ड टॉपिक है पेंटिंग्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो तो यहाँ तीन मेन कैटेगरीज होते हैं पेंटिंग्स में, मिनिएचर, वॉल पेंटिंग एंड मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स। मिनिएचर का मतलब होता है जैसे ये देखिए, ये छोटा सा बॉक्स है और इसके अंदर ये प्यारी सी छोटी सी सीनरी बनाई है कृष्ण, राधा कृष्ण जी की, तो इसे मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम वॉल पेंटिंग पढ़ेंगे एंड मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, जो ये तीन मेन कैटेगरीज हैं हिमाचल प्रदेश की। नेशनल म्यूजियम में दो पेंटिंग्स हैं हिमाचल प्रदेश से, एक है रंग महल चंबा से और एक सुल्तानपुर पैलेस कुल्लू का। ठीक है, एंड सब्जेक्ट्स क्या है मोस्टली पेंटिंग्स के? रामायण, महाभारत और पुराण्स। गुलेर जो कांगड़ा में है वो कहते हैं कि ये हिमाचल पेंटिंग जो है वो ओरिजिनेट वहाँ से हुई है, और उसको प्रमोट, जो ये हिमाचल पेंटिंग्स हैं वे प्रमोट भी गुलेर से ही हुई है। ठीक है, तो मतलब गुलेर जो है वो मेन एरिया है जहाँ से हिमाचल पेंटिंग का ओरिजन हुआ है। अब हम कांगड़ा पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। देखिए, ऐसे तो ये डॉक्टर ए के कुमार स्वामी थे, ठीक है, जिन्होंने कांगड़ा स्कूल पेंटिंग को डिस्कवर किया था, खोज करी थी। कांगड़ा पेंटिंग बहुत फेमस हुई है राजा गोवर्धन चंद के टाइम पे और राजा संसार चंद के टाइम पे। जो कांगड़ा पेंटिंग और गुलेर पेंटिंग है ना, इनका थीम होता था रोमांटिसिज्म एंड मिस्टिक सिम्बॉलिज्म। क्यों? क्योंकि आप ये पेंटिंग देखिए, कितना प्यारी, कितनी ब्यूटीफुल सीनरी बनाई है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी और, मतलब किसी मिरेकल वर्ल्ड में है, मतलब किसी इमेजिनरी दुनिया में है। ठीक है, रोमांटिसिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि राधा कृष्ण के थीम पर पेंटिंग्स बनाई जाती थी कांगड़ा की, तो तभी इसे रोमांटिसिज्म एंड मिस्टिक सिंबलिज्म का दर्जा दिया है। गुलेर स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो राजा दिलीप सिंह जी ने इनाग्रेट किया है, और यहीं से पहाड़ी पेंटिंग जो है वो फेमस हुई है। थीम क्या है? कृष्ण लीला, भगवत पुराण या गीत गोविंद, जो कि जय देव ने लिखा था। अब हम चंबा पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। चंबा पेंटिंग जो है वो राजा पृथ्वी सिंह ने इनाग्रेट किया है। ठीक है, रॉयल पैट्रनेज उसे राजा उदय सिंह के टाइम पे मिला था। ठीक है, राजा उदय सिंह वही हैं जिन्होंने रंग महल चंबा का बनवाया है। ठीक है, कालकी और परशुराम इनका फेमस पेंटिंग रही है। जैसे कांगड़ा में कृष्ण लीला फेमस है ना, वहीं पे चंबा में कालकी और परशुराम फेमस पेंटिंग है। ठीक है, थीम लॉर्ड रामा, कृष्ण जी। और बशोली पेंटिंग जो है वो राजा कृपाल सिंह के टाइम पे फेमस हुई है, और इसने ही चंबा पेंटिंग को इंस्पायर किया है, मतलब बशोली पेंटिंग ने ही चंबा पेंटिंग को इंस्पायर किया है। ठीक है, और देवीदास जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस पेंटर रहे हैं बशोली पेंटिंग्स के, उन्होंने राधा कृष्ण के ऊपर पेंटिंग करी है। थीम इनका वैष्णविज्म है, वैष्णविज्म जो वही है जो लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज रहे हैं। अब हम गुलेर पेंटिंग, गुलेर कांगड़ा स्टाइल के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब मुगल आर्ट बशोली पेंटिंग के साथ ऐड किया गया, ठीक है, तो गुलेर कांगड़ा स्टाइल बन गया। जैसे लिखा है यहाँ पे, इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल आर्ट ऑन बशोली स्टाइल आर्ट कॉल्ड गुलेर कांगड़ा स्टाइल। अब हम अर्की पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। अर्की जो है वो बंगाल भागल्स की कैपिटल है। ठीक है, और ये पेंटिंग जो है ये कांगड़ा स्टाइल से इन्फ्लुएंस हुई है। बशोली स्टाइल जो है वो कांगड़ा स्टाइल से इन्फ्लुएंस हुई है, और इसका थीम है कृष्णा एंड शिव पार्वती। अब वॉल पेंटिंग्स बोलो या मुराल पेंटिंग्स बोलो या चौकधू एंड हंगाया फेमस वॉल पेंटिंग्स हैं। ठीक है, ये आपको रंग महल जो चंबा में है वहाँ पे उसमें भी मिलेगा, राजा उमेद सिंह ने बनवाया था। ठीक है, और ये वॉल पेंटिंग आपको रंग महल में भी दिख जाएगी, और थीम जो है वो कृष्ण लीला है। अब हम गैलरीज के बारे में बात करेंगे। अंडरेटा आर्ट गैलरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोरा रिचर्ड ने इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, और नोरा रिचर्ड जो थे वो बहुत सारे पेंटर्स को इनवाइट करते थे। उनमें से एक थे सरदार शोभा सिंह। सरदार शोभा सिंह वही हैं जिन्होंने शशि पुन्नू, कांगड़ा ब्राइट, हीर रांझा, सोनी महिवाल की पेंटिंग्स बनाई है, और उनकी पेंटिंग्स जो है वो अंडरेटा आर्ट गैलरी में आज भी मौजूद है। ठीक है, और ये अंडरेटा में है स्थित। अब हम नगर आर्ट गैलरी के बारे में बात करेंगे। नगर आर्ट गैलरी जो है वो कुल्लू में है। रोहिरिज एक रशियन थे, उनको महर्षि का दर्जा दिया गया है। ये है नगर में 1923 में आए थे इन्होंने, मतलब 1923 में ये कुल्लू आए थे। ठीक है, रोहिरिज ने नगर आर्ट गैलरी जो है वो 1928 में बनवाया था। ठीक है, अब हम भूरी सिंह म्यूजियम के बारे में बात करेंगे। ये भूरी सिंह जो थे वो राजा थे चंबा के, और ये चंबा में है, और 1975 में इसे इनॉग्रेट किया गया था। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, ये है कांगड़ा का स्कूल, कांगड़ा का फेमस पेंटिंग स्कूल है, और ये देखिए इसे कहते हैं मुराल पेंटिंग, वॉल पेंटिंग। ठीक है, तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, इन जो बशोली स्कूल पेंटिंग्स हैं वो किसकी प्रोमिनेंस में फेमस हुआ है? तो राजा दिलीप सिंह, बी राजा कृपाल सिंह, या महरचंद, या राजा संसार चंद। तो ये पेपर एचपी फॉरेस्ट ऑफिसर के पेपर में आया हुआ है 2007 में। तो ये राजा कृपाल सिंह के टाइम पे फेमस हुई है राजा ये बशोली स्कूल पेंटिंग। ठीक है, अब यहाँ एक और क्वेश्चन है, निकोलस रोहिरिज नगर जो कुल्लू है, ठीक है,
वहाँ पे कब विजिट किया था, तो ये सबसे पहली बार 1923 में कुल्लू आए थे रोहिरिच, ठीक है। और इन्होंने आर्ट गैलरी जो है वो 1928 में बनवाई है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये नैब तहसीलदार 2008 में क्वेश्चन आया हुआ था, ये अंड्रेटा में है। फेमस कांगड़ा ब्राइड जो है वो किसने बनाई है पेंटिंग, किसने बनाई है कांगड़ा ब्राइड पेंटिंग, तो ये बनाई है शोभा सिंह ने। गुलेर पेंटिंग जो है वो अपन जेनिथ पर कब पहुंच गई थी, जेनिथ मतलब टॉप पे, तो ठीक है ये सबसे ज़्यादा फेमस कब हुई है गुलेर पेंटिंग, तो ये हुई है राजा संसारचंद के टाइम पे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आर्ट एंड गैलरी से आते हैं, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।